पिताजी जहाँ हम रहते हैं वहाँ आग लग गई है, हम नहीं बच पाएंगे। आप परेशान मत होना और हमें मत ढूंढना। तो चलिए दोस्तों, आपको पूरी बात बताएं, उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि देश विदेश की जानकारी आपको मिलती रहे। ये बात दिल्ली के रानी झांसी रोड स्थित अनाज मंडी इलाके में इमारत में लगी आग में फंसे इमरान ने मौत से पहले अपने पिता से कही थी। इमरान ने जब फोन किया था वह अपने दो भाइयों के साथ इमारत में मौजूद था। अपने बचने की उम्मीद खत्म होने के बाद अपने पिता को फोन किया, इसके बाद उसका फोन कट गया और फिर कभी नहीं मिला। परिजनों ने दिल्ली में रहने वाले रिश्तेदारों को फोन किया और इमरान का पता लगाने के लिए कहा, लेकिन रविवार रात तक उसका कुछ पता नहीं चला। इमरान के भाई सोनू ने बताया कि रविवार सुबह जब घर पर सब सोए हुए थे, तभी सुबह करीब 4:30 बजे दिल्ली से इमरान भाई का फोन आया। दो बार फोन कटने के बाद तीसरी बार पिताजी की नींद खुली। उन्होंने फोन उठाया और फोन उठाते ही इमरान भाई ने बस इतना कहा कि पिताजी आग लग गई है और हम नहीं बच पाएंगे, आप हमें मत ढूंढना और परेशान मत होना। उनकी बात सुनकर पिताजी चिल्लाकर पूछने लगे, जिससे घर के सभी लोगों की नींद खुल गई। पिताजी ने सभी को इमरान के फोन के बारे में बताया, जिसके बाद अपने चचेरे भाई शहजाद के घर में आग लगने की जानकारी दी गई और दिल्ली में अपने रिश्तेदारों को फोन कर तीन भाइयों की जानकारी पता लगाने की बात कही। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।